हेलो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर ने उनको एक पत्र दिया था और कहा था कि वे इस पत्र को अपनी माँ को दे दें। घर जाकर आइंस्टाइन ने जब वे पत्र अपनी माँ को दिया, उनकी माँ ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा, वे मनी मन मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट की वजह पूछने पर वे आइंस्टाइन के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। इस बात से खुश होकर आइंस्टाइन और मन लगाकर पढ़ने लगे। फिर उनकी माँ ने दूसरे स्कूल में आइंस्टाइन का एडमिशन करवा दिया और उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी मेहनत के दम पर वह एक महान वैज्ञानिक बने। काफी समय गुजरने के बाद एक दिन आइंस्टाइन की माँ का निधन हो जाता है। माँ की मृत्यु के बाद उनके हाथ वही पत्र लगता है जो उनकी टीचर ने दिया था। पत्र में लिखा हुआ था कि हमें आपको बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि आपका बच्चा पढ़ने में काफी कमजोर है, इसका बुद्धि में विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप या तो इसे घर पर ही पढ़ाएं या तो फिर किसी और स्कूल में पढ़ने को भेजें। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें किसी के सहारे और मोटिवेशन की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर आइंस्टाइन की माँ यदि पत्र की हकीकत बता देती तो शायद आज दुनिया को इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं मिलते। 14 मार्च 1879 को उल्म जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार यहूदी धर्म से संबंध रखता था। बचपन से ही आइंस्टाइन काफी होशियार थे, लेकिन उन्हें बोलने में थोड़ी बहुत परेशानी होती रही। वे अपनी 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए, लेकिन एक बार जब वे अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे तो वे एकदम से बोल पड़े कि सूप गर्म है। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने कैथोलिक स्कूल से की। आइंस्टाइन का मन मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट में ज्यादा लगता था, जिस वजह से वे एक बार इन विषयों को छोड़कर सब विषयों में फेल हो जाते हैं। सन 1900 तक फेडरल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मरियक से शादी कर ली, जो उनके साथ ही पढ़ती थी। आइंस्टाइन ने इसी इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त की और यहाँ से ही अपना पहला विज्ञान दस्तावेज लिखा। सर आइंस्टाइन की प्रसिद्धि यहीं से लिखे हुए कई और दस्तावेजों के साथ हुई, और साथ ही 1909 में वे बर्न यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर भी बन गए थे। आइंस्टाइन ने अपने जीवन में कई खोजें करी थी, जिनकी वजह से वे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गति और समय के संबंध को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया। उन्होंने प्रकाश की क्वांटम थ्योरी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली को फोटोन कहा और तरंगों की विशेषता बताई। इसी थ्योरी के आधार पर टीवी की भी खोज हुई थी। आइंस्टाइन के अनुसार धातुओं से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना करते हैं, और साथ ही आसमान नीला क्यों होता है वे इन्होंने प्रकाश के प्रीकिनन के द्वारा बताया। 18 अप्रैल 1955 को सर आइंस्टाइन की मृत्यु होने के बाद इनका दिमाग वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च का अहम मुद्दा रहा। काफी रिसर्चेस के बाद पता चलता है कि आइंस्टाइन का दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स हिस्सा एक आम आदमी से अलग था। कोई भी काम की योजना, चिंता, भविष्य की योजना बनाने आदि कामों के लिए दिमाग का यह हिस्सा काम करता है। आज भी सर आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। सन 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर हार्वे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग रिसर्च के लिए ले लिया था। हार्वे के पास 20 सालों तक उनका दिमाग रखा रहा, लेकिन आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन की परमिशन के बाद उस पर रिसर्च जारी करी, जिसमें यह भी पाया कि सर आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसान के दिमाग के वजन के मुकाबले कम था। औसतन मनुष्य के दिमाग का वजन 1.36 केजी रहता है, वहीं आइंस्टाइन का दिमाग का वजन 1.22 केजी था। डॉक्टर हार्वे की रिसर्च में यह भी पाया गया था कि आइंस्टाइन के दिमाग में किसी आम इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा सपोर्ट कोशिकाएं हैं। सर आइंस्टाइन को अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। सन 1922 में उन्हें फिजिक्स में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc2 बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी महान हस्ती सदी में एक आध बार ही जन्म लेती हैं। इनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की है उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। इनके जन्म दिन 14 मार्च को जीनियस डे के रूप में भी मनाया जाता है। बचपन में मंद बुद्धि माना जाने वाला बच्चा एक इतना बड़ा वैज्ञानिक बनेगा किसी ने भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा,
ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।